नमस्कार, अंबेडकर नामा में आपका स्वागत है साथियों। जय भीम, गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे साइमन कमीशन के आगमन पर। जब जब साइमन कमीशन की बात होती है तो हमारे इमेजिनेशन में, हमारे कल्पना शक्ति में, हमारी जो ट्रेनिंग है, जिस तरह से इतिहास पढ़ाया गया है, लगता है वैसे कि जैसे हिंदी फिल्म का कोई खलनायक विलेन हमारे पास, हमारे सामने खड़ा हो। जैसे अगर आप मर्द फिल्म याद करेंगे तो बॉब क्रिस्टो का जो कैरेक्टर है, उसी तरह का कैरेक्टर हमारे इमेजिनेशन में आता है और सामने दिखता है कि साइमन का मतलब उस तरह का कोई खलनायक है। बहरहाल, हम बात करेंगे उनके पूरे ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर कि साइमन कमीशन क्यों बना था, भारत में क्यों आया था, उसका क्या पर्पज था। इस पर हम अपनी बात को फोकस रखेंगे। साइमन कमीशन के आने से पहले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बना था, उसमें एक प्रावधान था कि प्रत्येक 10 वर्ष में ब्रिटिश हुकूमत यहाँ के संवैधानिक प्रगति को देखने के लिए री एग्जामिन करेगी, उसको असेस करेगी, यहाँ के क्या कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट होना है, क्या गर्व। ये प्रावधान 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ही था। तो इसी के अनुसार 1928 में एक रॉयल कमीशन का गठन किया गया, जिसको आप सब, हम सब साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। और इसका पर्पस था, इस उम्मीद से किया गया था कि यह एक मिक्स्ड कमिटी होगी, इसमें इंडियन कुछ लीडर्स भी होंगे, कुछ ब्रिटिश लीडर भी होंगे। लेकिन उस समय जो भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, भारत के जो तत्कालीन राज्य सचिव थे, उनका नाम था लॉर्ड बर्कनहेड। इन्होंने इस आधार पर भारतीयों के शामिल होने का विरोध किया, क्योंकि उनका कहना था कि यह मूलतः एक पार्लियामेंट्री कमेटी है, इसलिए इसमें किसी इंडियन का होना कोई जरूरी नहीं है। इस तरह से मान लीजिए कि पूरा ये जो कमेटी थी साइमन कमीशन, उसमें कोई इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, कोई भारत का प्रतिनिधित्व नहीं था, और यह मूलतः अंग्रेजों की कमेटी थी। ये था नटशेल में यह बात। तो इसका भारत के जितने लीडर्स थे, कांग्रेस के नेता और तमाम जो उदारवादी लीडर्स थे, इसको उन्होंने अपमान के रूप में लिया कि इट वॉज लाइक इंसल्ट। तो इसीलिए उन्होंने हर तरीके से इसका व्यापक विरोध और बहिष्कार करने की योजना बनाई। हर तरीके से विरोध होगा और बहिष्कार किया जाएगा। सो इस विरोध की प्रवृत्ति को देखते हुए ब्रिटिश हुकूमत ने यह घोषणा की कि जब साइमन कमीशन अपना काम पूरा कर लेगा, जब वो रिपोर्ट सबमिट करेगा, उसके बाद इंग्लैंड में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा, जिसमें भारत के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसके भी कुछ प्रतिनिधि शामिल होंगे, और मिल बैठकर बात किया जाएगा, समस्या का समाधान निकाला जाएगा। ये ब्रिटिश हुकूमत ने ये घोषणा की थी। खैर, बहरहाल, ये एक तरह से 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ। तो इनके भारत आगमन के साथ ही कांग्रेस पार्टी ने असहयोग, बहिष्कार और हर तरह का, जिस तरह का प्रोटेस्ट हो सकता है, उन्होंने करना शुरू किया। इसके साथ साथ अन्य दल के नेता भी इसके विरोध में शामिल हो गए। जब कमीशन जब भारत आए, उस समय काले झंडे दिखलाए गए, गो बैक साइमन कमीशन के जबरदस्त नारे लगे, और कांग्रेस पार्टी ने विशेष रूप से अखिल भारतीय स्तर पर इसका विरोध किया। कई जगह गोलियां भी चली, इस तरह की भी रिपोर्टिंग हुई। सो यह विरोध प्रदर्शन, ये पहली बार तो फरवरी 1928 में आया था। दूसरी बार जब साइमन कमीशन भारत आया, वो था 1928 के दिसंबर विंटर सेशन में, और 29 तक ये काम किया। उस समय भी अखिल भारतीय स्तर पर भारत में इसका विरोध हुआ। तो इसी दरमियान, इन बिटवीन, एक और इसकी उपकथा है, एक और स्टोरी है। वो स्टोरी ये है कि फरवरी और फिर मई 1928 में कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हुआ। तो उस अधिवेशन में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक अपना संविधान बनाने के लिए स्वराज संविधान समिति का एक कमिटी का एक गठन हुआ। इस कमिटी ने जून से लेकर और अगस्त 1928 तक काम किया, और 28 तक इन्होंने अपना मसौदा, स्वराज संविधान का मसौदा उन्होंने तैयार कर लिया। फिर इस संविधान के स्वरूप पे, जो उसमें निर्णय लिए गए थे, उसके स्वरूप पे अंबेडकर साहब ने 18 जनवरी 1929 को बहिष्कृत भारत
पत्रिका में एक संपादकीय लेख उन्होंने लिखा जिसमें जिसकी चर्चा कभी किसी और एपिसोड में करेंगे, उन्होंने विस्तृत लेख इस पर लिखा था। और इस संविधान का क्या उद्देश्य था? इस संविधान का उद्देश्य था मूल रूप से, जो स्वराज संविधान है, इसका उद्देश्य था कि जो मुस्लिम प्रश्न है, जो मुस्लिम क्वेश्चन है, उसको एड्रेस करना है, उसका समाधान करना है। ये इनका मुख्य उद्देश्य था। लेकिन इसमें डिप्रेस क्लास के लिए, इसमें जो जिसको आप शेड्यूल कास्ट कह सकते हैं, उस समय दलित वर्ग के लोग कह सकते हैं, डिप्रेस क्लासेस के लिए विधायिका में किसी विशेष प्रावधान का, उनके प्रतिनिधित्व के लिए किसी विशेष प्रावधान की कोई भी अनुशंसा नहीं की गई थी कि कोई भी प्रावधान इसमें नहीं होगा। और सिर्फ एक उपाय सुझाया गया था कि दिस कुड बी डन ओनली बाय वे ऑफ स्पेशल इलेक्टोरेट और बाय नॉमिनेशन, किस एक स्पेशल निर्वाचन क्षेत्र के द्वारा या सिर्फ नामांकन नॉमिनेशन के द्वारा, कोई नॉमिनेट करेगा, इसके द्वारा डिप्रेस क्लास के लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया जा सकता है। लेकिन कमिटी ने कहा कि ये दोनों जो विधियां हैं, जो दोनों मेथड हैं, ये हानिकारक और अव्यवहारिक है, इसलिए इसको लागू नहीं किया जा सकता है, ये कमिटी लागू इसको नहीं करेगी। तो कमिटी के अनुसार उनका ये मानना था कि जब डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स हो जाएगा, जब भारत के संविधान में जब परिवर्तन हो जाएंगे और उनको अधिकार मिल जाएंगे, तो यही रामबाण है, एक बार जब मुक्ति हो गई तो उस देश के जितने भी समस्याएं उसका भी समाधान होगा, और जो जो अस्पृश्य की समस्याएं हैं, जो डिप्रेस क्लासेस की समस्याएं हैं, उनका भी समाधान होगा। ये उनकी अंडरस्टैंडिंग थी। इसलिए डिप्रेस क्लासेस को एक तरह से एकदम उनके मुद्दे को, उनके लीडर्स को इग्नोर कर दिया गया था, नजरअंदाज कर दिया गया था। अब अगर आप कंपोजिशन देखें तो स्वराज संविधान की वर्किंग कमेटी थी, उसमें जिन लोगों को आमंत्रित किया गया था, अगर उनको देखेंगे तो उसमें मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, एंग्लो इंडियन और यहां तक कि जो गैर ब्राह्मण संस्थाएं थी उनको, द्रविड़ महाजन सभा, तमाम ऐसे संगठन के प्रमुख नेताओं को आमंत्रित किया गया था। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर सहित न तो किसी डिप्रेस क्लास के नेता को कभी आमंत्रित किया गया, न किसी संगठन को आमंत्रित किया गया। तो इसलिए यहां यह उल्लेख करना जरूरी है कि साइमन कमीशन के आने से पहले, 10 साल पहले, जो साउथ बोरो कमिटी आई थी उसके समक्ष डॉक्टर अंबेडकर अपना बयान दे चुके थे, अपना साक्ष्य दे चुके थे। तो ये एक इंटरेस्टिंग था कि साउथ बोरो कमिटी ने उनके साक्ष्य को स्वीकार किया, माना, इसलिए उनका इंटरव्यू किया, उनको एग्जामिन किया। लेकिन स्वराज कमेटी, जो कि अपने देश की कमेटी थी, भारत की कमेटी थी, उसने अंबेडकर को भी इग्नोर किया, उसने किसी भी दलित नेता को नहीं बुलाया, किसी संगठन को नहीं बुलाया, एक तरह से कंप्लीट इग्नोरेंस था। तो ये पूरा जिस तरह का घटनाक्रम चल रहा है 1928-29 में, ये आपके सामने इस तरीके से इसको देखा जाना चाहिए। और ये आप, मैं ये रेफरेंस दे रहा हूं कि जो भी शोधार्थी देखना चाहें, वॉल्यूम 17 पार्ट 1 पेज नंबर 63 से उठाकर आगे 20-50-100 पेज आप देखेंगे तो पूरा आपको प्रोसीडिंग इसमें दिखेगा। उसमें राउंड टेबल भी आएगा, 1-2 भी आएगा, उसमें पूर्णा पैक्ट भी आएगा, तमाम ये प्रोसीडिंग उसमें है, आप देख सकते हैं। बहरहाल कमीशन को सहयोग करने के लिए सरकार ने एक तो केंद्रीय स्तर पर और दूसरा प्रांतीय स्तर पर कई समितियों का गठन किया कि जो साइमन कमीशन को उनके काम में, उनके एक्टिविटीज में सहयोग करे। सो इसी सिलसिले में, इसी पूरे प्रोसीजियर में, मुंबई विधानमंडल की ओर से डॉक्टर अंबेडकर सहित कई सदस्यों का उसमें नामांकन हुआ। ये तारीख है 3 अगस्त 1928 को डॉक्टर अंबेडकर भी उसमें नॉमिनेट हुए। तो अब जो है कमीशन की प्रोसीडिंग शुरू होती है। तो जब प्रोसीडिंग शुरू होती है तो यहां पे देखना यह है कि साइमन कमीशन के सामने जो डिप्रेस क्लास के तकरीबन 18 जो ऑर्गेनाइजेशन थे उन्होंने अपना मेमोरेंडम दिया, और 18 में से 16 लोगों ने, 16 संगठनों ने वो पृथक निर्वाचन क्षेत्र, सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की। इसी में डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की ओर से लिखित मेमोरेंडम दिया, और यहां पे उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग नहीं की, उन्होंने ज्वाइंट इलेक्टोरेट विथ रिजर्वेशन
कि संयुक्त निर्वाचन प्रणाली होगी और उसमें डिप्रेस क्लासेस के लिए रिजर्वेशन होगा। तो ये पॉइंट नोट करना है कि साइमन कमीशन के साथ डॉक्टर अंबेडकर ने पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग उन्होंने नहीं की थी। कुछ और संगठन थे जैसे मद्रास सेंट्रल आदि द्रविड़ महाजन सभा, इन्होंने बात रखी कि नॉमिनेशन के द्वारा डिप्रेस क्लास के लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया जाना चाहिए, प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। इसी तरीके से बॉम्बे प्रोविंशियल नॉन ब्राह्मण पार्टी के सदस्यों ने सेपरेट इलेक्टोरेट पृथक निर्वाचन विथ रिजर्वेशन की बात की। तो इस तरीके से ये ज्यादातर जो डिमांड्स आ रहे थे वो आ रहे थे कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र के द्वारा डिप्रेस क्लासेस के लोगों को प्रतिनिधित्व मिले, लेकिन अभी इस समय डॉक्टर अंबेडकर सेपरेट इलेक्टोरेट के प्रश्न पे नहीं आए थे, उन्होंने ज्वाइंट जो रिप्रेजेंटेशन है जो उसकी बात की थी। दूसरी तरफ जो मेन जो प्रॉब्लम था वो मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर था, तो मुस्लिम लीग ने जो डिमांड रखा वो था सिंध का विभाजन होना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन में सेपरेट इलेक्टोरेट हो और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आने वाले प्रांत हैं उसमें अवशिष्ट शक्ति मुस्लिम समुदाय को मिले, रेसिडरी पावर उनको मिले। तो ये मुस्लिम लीग का डिमांड था। 23 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन, केंद्रीय जो जो सेंट्रल कमेटी थी और जो प्रांतीय कमेटी बॉम्बे की प्रांतीय कमेटी थी, इस तीनों कमेटी के सामने डॉक्टर अंबेडकर का एग्जामिनेशन हुआ, बयान हुआ और वो हुआ पूना में हुआ। तो ये पूरा एक स्टोरी बन रहा है और ये जाड़े के दिन तक काम चला साइमन कमीशन का। और इसी दरमियान 7 मई 1929 को बॉम्बे की लेजिस्लेटिव असेंबली, चूंकि हर जो लेजिस्लेटिव असेंबली था हर प्रांत के लोग अपने अपने हिसाब से रिपोर्ट और अनुशंसा भी तैयार कर रहे थे जो कि साइमन कमीशन को सौंपा जाना था, तो 7 मई 1929 को बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल ने अपना रिपोर्ट साइमन कमीशन को सौंपा। डॉक्टर अंबेडकर इस रिपोर्ट से फंडामेंटली अपोज थे, इसके डिफरेंट ओपिनियन रखते थे, इससे सहमत नहीं थे, मूलतः सहमत नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपना लिखित जो जो मेमोरेंडम है उन्होंने 17 मई 1929 को साइमन कमीशन को सौंपा। तो एक बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल की तरफ से मेमोरेंडम आया और दूसरा अंबेडकर डॉक्टर अंबेडकर की तरफ से मेमोरेंडम गया। तो ये दोनों बातें हैं इस समय कि आखिर इंटरव्यू में डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा और जो मेमोरेंडम उन्होंने लिखित दिया उसमें क्या बात हुई, उसमें क्या लिखकर उन्होंने दिया, एक विस्तार का विषय है। अगले एपिसोड में हम उस पर चर्चा करेंगे। अगर ये विमर्श अच्छा लग रहा हो, अगर लग रहा है कुछ मीनिंगफुल है, कुछ फ्रूटफुल है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको आप देखिए पूरा और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, समीक्षा कीजिए, क्रिटिसिज्म कीजिए और कम से कम बेल बटन दबा दीजिए कि अगला वीडियो जब आए तो कम से कम आपको अविलंब सूचना मिल जाए। शुक्रिया साथियों, जय हिंद। शुक्रिया साथियों। अंबेडकरवादी पत्रकारिता करने वाले नेशनल बहुजन मीडिया को स्थापित करने में द शूद्रा की आर्थिक मदद करें। आप सीधे हमारे अकाउंट नंबर में मदद भेज सकते हैं। बेनिफिशियरी नेम है द शूद्रा, अकाउंट नंबर है 2233009468935। IFSC कोड है RATN0VAAPIS। ध्यान दीजिए, IFSC कोड में RATN के बाद 0 है, ओ नहीं। बैंक का नाम है RBL और ब्रांच है मुंबई। आप हमें 8595794224@ पेटीएम पर UPI के जरिए भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। पेटीएम, गूगल पे और फोन पे के लिए हमारा एक ही नंबर है 8595794224। जय भीम, जय भारत।